ये राजधानी रांची की तस्वीरें हैं, जहां हुए अरबों के जमीन घोटाले की जांच ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आधी रात जब आप अपने घर में सो रहे होते हैं, तो शहर में जमीन माफिया जमीन पर कब्जे की कवायद में उस पर चोरी छिपे निर्माण करा रहे होते हैं। ऐसा ही मामला डोरंडा में कन्या पाठशाला के सामने की जमीन पर आया है, जहां आधी आधी रात को गैर मजरूआ सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश में पिछले 2 महीनों से काम हो रहा। यूं तो राजधानी रांची में हुए अरबों के जमीन घोटालों की जांच ईडी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर अवैध कब्जे की कवायद थमी नहीं है। राजधानी रांची में डोरंडा स्थित अरबों की गैर मजरूआ जमीन पर अवैध कब्जे की कवायद बदस्तूर चल रही, और इसमें शहर के एक बड़े व्यवसायी का नाम सामने आ रहा है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो रांची अंचलाधिकारी का यह बयान सुन लीजिए। यहाँ पर ये डोरंडा कन्या पाठशाला की जमीन, इस जमीन पे इनका स्कूल चलता है, और ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में गैर मजरूआ जमीन है, जो कि पहले तालाब हुआ करता था, खतियान में भी इसका जिक्र है। लेकिन आए दिन शिकायत यहाँ से प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर रात में चोरी छुपके कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और वो स्कूल के द्वारा नहीं, किसी अन्य एजेंसी या किसी अन्य कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हो रहा है। इस संबंध में हमने इंक्वायरी करा के और इनको एक नोटिस दिया था कि आप जवाब दाखिल करें कि आपके द्वारा निर्माण कार्य कैसे किया जा रहा है और क्या क्या आपके पास पेपर हैं। लगभग 2 सप्ताह बीत जाने के बाद इनसे कोई जवाब नहीं आया। फिर भी लगातार शिकायत मिल रही थी कि काम अभी भी नहीं रुका है, काम लोग रात में कर ही रहे हैं। उसके बाद जो है हम पूरे अंचल की टीम और थाना से कुछ फोर्स लाकर इनको हमने अभी सीलिंग करने का काम किया है। अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन काम बंद करवा दिए हैं। रांची में ये कोई पहला मामला नहीं है, कई जमीनों पर जमीन माफिया ऐसे ही कब्जा कर चुके हैं। वो तो भला हो यहाँ के स्थानीय जागरूक नागरिकों का कि लोगों ने शिकायत की तो मामले की जांच करने प्रशासन पहुंचा। ये आपके दुकान के बगल में एक कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है, पहले यहाँ पे क्या था इस जमीन पे? ये मैदानी था, हाँ, खाली मैदान था, बाउंड्री किया हुआ है। बाउंड्री बहुत देख रहे हैं आप, झाड़ी वगैरह भी लगा हुआ है, तो बाउंड्री तो काफ़ी पुराना है, और बाउंड्री तो मैदानी था, बच्चे लोग पहले खेलते भी थे इसमें, लेकिन बरसात के दिन है, घास उस हो जाता था, तो घास में कैसे खेलेगा। तो ये काम कितने दिनों से चल रहा है? काम हमको लगता है यहाँ पे भी 3 महीना हुआ होगा, हाँ। 2 महीना या 3 महीना मान के चलिए, गर्मी से चल रहा है, गर्मी के लास्ट में चालू हुआ था, ये गर्मी के आसपास में चल रहा है। लेकिन प्रशासन के नोटिस को ताक पर रखकर काम चलता रहा, जिसके बाद अब मजबूरन प्रशासन ने गेट पर ताला मार उसे सील कर दिया है, और हफ्ते भर के अंदर कागजात दिखाने या फिर कानूनी कार्रवाई का नोटिस दे डाला है। नोटिस दिया था मैंने इसीलिए कि ताकि कम से कम वो लोग आएंगे तो पेपर दिखाएंगे कि भाई इनके पास लीज का पेपर है या क्या है, लेकिन कोई भी ये लोग जवाब नहीं दाखिल किए। तो फिर हम लोग दूसरा नोटिस भी सर्व करने वाले थे, लेकिन काम का इतना ज़्यादा तेजी स्पीडली काम कर रहे हैं कि अभी इनको फिलहाल बंद करना पड़ रहा है। और जब ये जवाब देंगे कि इनके पास ज़मीन का पेपर है कि नहीं, नगर निगम से परमिशन है या नहीं, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कहाँ, रांची की कंपनी है, बाहर की कहाँ? नहीं, यहाँ तो यहीं का लोकल, रांची की कोई मोटर कार कंपनी के नाम बोल रहे लोग। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, परतें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल इंतजार इस बात का है कि प्रशासन के इस एक्शन का असर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप, रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तुविहार।